जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेतृत्व से इतना समृद्ध हो कि बहुत कम देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह अस्तावता नाम के इस पावन धारा को, जो उनकी जन्म और कर्म भूमि थी, इस धारा को नमन करते हुए यहां से सेवा करके राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने, महानुभावों ने अपने सेवा के माध्यम से साझा को पहचान की, उन सबको भी नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि शाहजहांपुर नगर पालिका का जब गठन हुआ होगा तब से वह नगर पालिका थी और कांग्रेस सरकारें जिस विजन के अनुसार सत्रह के पहले कार्य करती थी, कोई विकास की सोच थी नहीं, एक औपचारिकता हरेक कार्य के साथ जुड़ जाती थी, तो वहां औपचारिकता निर्माण करने के लिए ही सारी एक्सरसाइज होती थी। तो विकास की जो योजना है वहां आपको होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। लेकिन 2017 में नगर विकास मंत्री के रूप में जब खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे वह उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। अब आप सोच सकते हैं नगर निगम बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। विकास के लिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबलीकरण एक महत्वपूर्ण शब्द होगी। जनता को बुनियादी सुविधाएं दें, शासन की योजनाओं का लाभ जनता को सीधे प्राप्त हो। अगर आप नगर पालिका ही होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 गरीबों को यहां मकान नहीं मिल पाता। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को, 20,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ अकेले शाहजहांपुर में मिल गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि शाहजहांपुर में अब तक 10,170 गरीबों के मकान बन गए हैं और 10,000 लोगों के मकान जो बन रहे हैं। अभी मैं मंच पे देख रहा था, पूछ रहा था लोगों से कि आपका मकान बन गया, तो उन्होंने कहा हाँ मकान बन गया। मैंने कहा कितना पैसा मिला है, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया मिला। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं, उन्होंने कहा मांगेगा कैसे, पैसा तुम्हारे खाते में आता है। खाते से कोई घोषणा करके अपने खाते में पैसा मंगाएगा तो उसके कारण जेल जाने की उसकी कारण की पक्की जरूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे
पटरी पहुंचाई है, कोई खेल आदमी पहुंचा, कोई रेडी लगाता है, परिवार सरकार और आश्रित होकर के नहीं, स्वयं अपनी मेहनत से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के अपने परिवार को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वह विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ये होती है सरकार की योजनाओं को कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी बेटे